हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूँ अरुणिमा, एक्स मैनेजर शिल्पी, एंड आर टुडेज आर्टिकल इज रीसेट मोड। ये जो आर्टिकल है जीएसटी के बारे में है, जीएसटी को लेकर के जो भी चेंजेस की बात हो रही है उसके बारे में है। दैट इज वाई आर्टिकल इज टाइटल्ड रीसेट मोड। यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी कि जीएसटी जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे लगातार इसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से जीएसटी चर्चा में रहता है, और इसके पीछे मेरे ख्याल से 3 आर्टिकल हम द हिंदू सीरीज में ही जीएसटी पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से कि एक तो तब था जब अप्रैल में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था, उसके बाद मई में भी एक दूसरा, मई या जून में फिर एक दूसरा आर्टिकल आया जीएसटी का, जिसमें काफी हमने बेसिक चीजें डिस्कस की है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्विकली हम रिविजिट कर लेते हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स। सो जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका 101st अमेंडमेंट होकर के जीएसटी एक्चुअली लागू किया गया था, ठीक है, कब? 1 जुलाई 2017। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये। अब 1 जुलाई को ये 2022, 1 जुलाई 2022 को 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। So, ये 5 साल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब ये जीएसटी लाया गया था तो एक्चुअली जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे टैक्सेस को जीएसटी ने सब्स्यूम कर लिया था, सारे नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टैक्सेस हैव बीन सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो क्या हुआ कि जो टैक्स कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट करती थी, जो स्टेट के रेवेन्यू का एक माध्यम था, वो अब जीएसटी में चला गया। सो स्टेट उस समय स्टेट्स ने कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत ही नुकसान हो जाएगा, तो सेंटर ने उनको ये आश्वासन दिया था कि आपको ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा उसको हम कंपनसेट करेंगे। अब जो आपका टैक्स कलेक्शन है जीएसटी के पहले जितना था और जीएसटी के बाद जो होगा उसको, जो कमी आएगी, वो जो डिफरेंस होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा 5 सालों तक। अब वो 5 साल पूरे हो गए हैं, इसको लेकर के भी अभी आर्टिकल में आगे कुछ बातें हैं, विल डिस्कस। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट बात है हमें समझने के लिए, जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। क्यों? क्योंकि जो टैक्सेस हैं दे हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। दूसरा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी हुई है उससे मतलब नहीं है, जहां पे आर्टिकल सेल किया जाएगा वहां पे ही जो है जीएसटी पे किया जाएगा, राइट। इसके अलावा ये 1 इनडायरेक्ट टैक्स है फॉर द होल नेशन। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा। डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जहां पे हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हैं, हम जब कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो जिनसे हम सर्विसेज ले रहे हैं हम उनको दे रहे हैं और वो फिर फर्दर गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा जीएसटी। साथ ही साथ इसके 4 स्लैब्स को भी याद रखेंगे। कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जिन पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, मतलब वो 0% हो गया। उसके अलावा 4 और स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सो कई सारे गुड्स पे अलग अलग चीजों पे अलग अलग जो है स्लैब है, अलग अलग जीएसटी लगाई जाती है। सो ये इतनी बातें, बहुत बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल पे। एज जीएसटी टर्न्स 5, इट्स मेटामॉर्फोसिस इनटू अ ट्रूली गुड एंड सिंपल टैक्स नीड्स ग्रेटर सेंटर स्टेट्स डायलॉग। सो जीएसटी को लेकर के लगातार सेंटर और स्टेट के बीच में वो टसल चलता रहता है, वो कई बहुत स्मूथ नहीं होती हैं इनके बीच की बातें, क्योंकि वही है, क्योंकि स्टेट को लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है, जो टैक्स वो कलेक्ट करते थे वो अब सेंटर को चला जा रहा है। सो अभी यहाँ पे कहते हैं कि अब ये जब 5 साल हो गए हैं इसको, तो इसमें जो भी चेंजेस लाने हैं, मेटामॉर्फोसिस मतलब जो चेंजेस, कहते एक तरह से कहते हैं कि कंप्लीट, पूरी की पूरी तरह से काया पलट कर देना। सो कहता है कि इनटू अ ट्रूली गुड एंड सिंपल टैक्स नीड्स ग्रेटर सेंटर स्टेट्स डायलॉग। तो इसको जो रीसेट मोड में लाना है, इसके लिए सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत ही समझदारी भरी और बहुत ही एक सही तरीके की बातचीत होनी चाहिए। द जीएसटी काउंसिल मेट ओवर 2 डेज दिस वीक, इट्स फर्स्ट रेगुलर मीटिंग आफ्टर 9 month ब्रेक, with much on its plate stemming from 4 ministerial groups' recommendations to fix various aspects of the indirect tax regime
दैट रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस 5 ईयर्स ऑन. कहता है कि 5 साल हो गए जीएसटी को, लेकिन अभी भी ये वर्क इन प्रोग्रेस जैसा ही है. इसमें पहले एक तो यहाँ पे फ्रेज है मच ऑन इट्स प्लेट, मतलब जब हम कहते हैं कि आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, सो ये एक फ्रेज है मच ऑन इट्स प्लेट और मच ऑन माई प्लेट, मतलब आई हैव टू डील विथ सो मेनी थिंग्स. तो कहता है कि जीएसटी काउंसिल को बहुत सारी चीजों से डील करना है, इसीलिए 9 महीनों के बाद ये मीटिंग हुई है. अभी रिसेंटली 2 दिन ये बैठे हैं जीएसटी काउंसिल, और ये एक्चुअली इनकी 47th मीटिंग थी स्टेमिंग फ्रॉम 4 मिनिस्ट्रियल ग्रुप रिकमेंडेशन. तो 4 मिनिस्ट्रियल ग्रुप रिकमेंडेशन के बाद 9 महीनों के बाद इनकी ये मीटिंग हुई है. जीएसटी काउंसिल जो है एक्चुअली इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट का ये एक जॉइंट फोरम है कह सकते हैं. और अभी रिसेंटली इनकी 47th मीटिंग हुई 28 जून को, जिसमें कि जीएसटी को लेकर के काफी चर्चा हुई. इट रैटिफाइड 3 of the 4 reports, पुट ऑफ 1 फॉर फर्दर deliberations बेस्ड ऑन concerns flagged by a state with a commitment to reassemble and resolve the impasse holistically in little over a month. कहते हैं कि 4 रिपोर्ट को में से 3 को तो इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया, मतलब अप्रूव कर दिया. पुट ऑफ अगेन इट्स अ फ्रेजल वर्ब, मतलब पोस्टपोन, मतलब अभी डिसीजन नहीं लिया, आगे बढ़ा दिया. 1 को पोस्टपोन किया, आगे बढ़ा दिया कि बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, और कमिट किया कि हम फिर से रीअसेंबल होंगे, फिर से मिलेंगे और रिजॉल्व करेंगे द इम्पैस होलिस्टिकली इन लिटिल ओवर अ मंथ. लगभग 1 महीने में हम फिर से बैठेंगे. और इम्पैस मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसको बोलते हैं गतिरोध, जिसपे कि एक रुकावट सी आ गई है, अब आगे कुछ मूव नहीं हो रहा है, तो उस पर चर्चा करेंगे. अ न्यू मिनिस्ट्रियल पैनल इज बींग टास्क्ड विथ फिगरिंग आउट द लॉन्ग पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर जीएसटी डिस्प्यूट्स टू मूव अहेड. सो कहते हैं कि पैनल की इंटरिम रिपोर्ट के बेसिस पे एक्चुअली रैशनलाइज किए गए हैं टैक्स रेट्स. एग्जेम्पशंस हैव बीन स्क्रैप्ड ऑन सेवरल आइटम्स. कई आइटम्स पे जहां पे एग्जेम्पशंस थे, मतलब कि वहां पे टैक्स लगता ही नहीं था, वो एग्जेम्पशंस अब हटा दिए गए हैं, मतलब अब उन पे भी टैक्स लगेगा. एंड रेट्स ऑल्टर्ड फॉर अदर्स टू करेक्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, और कुछ और चीजों पे ऑल्टर किए गए हैं, मतलब चेंज किए गए हैं रेट्स. किस लिए? टू करेक्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में एक्चुअली होता क्या है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस पर तो कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उस पर ड्यूटी लगती है. तो अब क्या है कि मान लो इंडिया में कोई मैन्युफैक्चर करना चाहता है या रॉ मटेरियल मंगा के उसको फिर मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो उसके लिए तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको उस पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, टैक्स पे करना पड़ेगा. जबकि अगर वो सीधा फिनिश्ड गुड मंगा ले तो नहीं, उसको नहीं पे करना पड़ता है. तो उसको करेक्ट करने के लिए भी कुछ रेट्स ऑल्टर किए गए हैं. दिस मे ट्रांसलेट इन टू हायर प्राइसेज ऑन मेनी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम 18 जुलाई, ऑल दो देयर इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन इज डिफिकल्ट टू एसर्टेन. कहता है कि इसकी वजह से कई सारे चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे 18 जुलाई से. क्यों बढ़ जाएंगे? कि जो एग्जेम्प्टेड थे, जिन पे कोई टैक्स नहीं था, उसको टैक्स लगा दिया गया, और बाकी कुछ चीजों पे जो रेट्स हैं वो अल्टर कर दिए गए. लेकिन इन्फ्लेशन पे इसका क्या इफेक्ट होगा वो अभी मुश्किल है एसर्टेन करना, अंदाजा लगाना. हाउएवर, अ लार्जर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द जीएसटीज मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर विद एन इंक्रीज इन लेवीज टू बोल्स्टर रेवेन्यूज दैट हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस partly due to rate cuts earlier effected as electoral tools have been put off. कहते हैं कि इसको अभी postpone कर दिया गया है. With inflation expected to remain buoyant, that exercise may have to wait longer. कहता है कि inflation चूंकि अभी पहले ही ज्यादा है, इसलिए अभी इस decision को रोक के रखा गया है. Apart from the fine print of the council's decisions, which include tighter norms on the horizon for registering new firms and closing of tax evasion loopholes, there is a more critical takeaway. कहते हैं कि अभी इन्होंने क्या करा है कि जो न्यू फर्म्स रजिस्टर होंगे उनके लिए टाइट कर दिए हैं नॉर्म्स, ठीक है. साथ ही साथ जो टैक्स इवेजन है, टैक्स को इवेड करने के मतलब तरीके ढूंढ लेते हैं ना लोग, किस तरह से टैक्स से बचा जा सके. सो उस तरह के जितने लूप होल्स हैं उन सबको भी बंद करने के डिसीजन लिए गए हैं. इस तरह के जितने जिन लूप होल्स की वजह से लोग ऐसे तरीके अपना लेते हैं कि टैक्स से बचा जा सके, उन लूप होल्स को हटाने की भी इन्होंने व्यवस्था की है, डिसीजन लिया है. दैट द डेलिबरेशंस वर कंस्ट्रक्टिव एंड नॉट कॉम्बेटिव, स्पेशली अमिड द ब्रूइंग ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन द पास्ट फ्यू मीटिंग्स एंड द प्रोलॉन्ग्ड पॉज
since it last met bodes well for the necessary next steps to make GST deliver on its original hopes. कहता है कि एक्चुअली ये ट्रस्ट डेफिसिट सेंटर और स्टेट के बीच में जीएसटी को लेकर के हमेशा ही हमेशा ये एक टेंशन वाली स्थिति रहती है जब भी उनके डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि जब जीएसटी नहीं था तो स्टेट को जो जो टैक्सेस हैं वो स्टेट कलेक्ट कर पाती थी ज़्यादा, और जीएसटी के बाद ये अब उनके फेवर में नहीं रहा, और अब तो कंपनसेशन भी 5 सालों का जो पीरियड था कंपनसेशन वाला वो भी ओवर हो गया है. सो यहाँ पे कहते हैं ये जो मुद्दा था कि 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इसको लेकर के लगभग मोर ओवर ओवर अ डजन स्टेट्स, लगभग लगभग 12 से भी ज़्यादा स्टेट्स ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई, एक्चुअली इसको लेके आए इस मुद्दे को एक्स्ट्रा एजेंडा आइटम के रूप में, और अपनी चिंताएं अपनी देयर एंग्जाइटीज अबाउट द सनसेट ऑफ अश्योर्ड रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम 1 जुलाई. सो जो उनका रेवेन्यू अश्योर्ड रेवेन्यू था कि अगर उतना नहीं आएगा तो कंपनसेशन मिलेगा, और 1 जुलाई से वो खत्म हो गया, इसको लेकर के उन्होंने चर्चा की. और इवन जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां के मिनिस्टर्स ने भी इसके बारे में कहा, और फाइनली सेंटर ने काउंसिल ने इनकी बात सुनी, और अभी के लिए सी अगर ये जो 5 ईयर का पीरियड है वो ऑलरेडी खत्म हो गया है, दैट मीन्स 1 जुलाई 2022 से अब वो कंपनसेशन की बात नहीं होनी चाहिए थी, मतलब ओवर. बट नाउ द इशू इज ओपन, इस बार की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ जब स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये बात उठाई कि ठीक है लेट अस कीप इट ओपन, अभी फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि इस पे क्या किया जा सकता है. सो अभी इट इज लाइक जो नो है उसको होल्ड कर दिया गया है. टेकिंग अ क्लियर कॉल वन वे और द अदर ऑन कंटिन्यूइंग दिस सपोर्ट विल बी आइडियल फॉर द सेंटर एंड स्टेट्स टू प्लान देयर फिजिकल मैथ बेटर. जस्ट एज सस्टेनिंग एंड नर्चरिंग दिस फ्लेगलिंग फेडरल कॉम्पैक्ट इज क्रिटिकल टू मेक द जीएसटी वर्क बेटर फॉर ऑल सूनर रादर देन लेटर. सो कहते हैं कि राइटर भी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सपोर्ट अभी कंटिन्यू करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी फिर ये दोनों सेंटर और स्टेट के बीच में समन्वय रहेगा और वो अपना जो फिजिकल मैथ्स है उसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से प्लानिंग कर पाएंगे. सो मेरे ख्याल से आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा. जीएसटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी बात होती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहना है, पहले एक बार बेसिक समझ लेना है, और उसके बाद जो जो चीजें जैसे जैसे होती जाती हैं आपको अपना नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज भी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. कुछ वर्ड्स देख लेते हैं. मेटामॉर्फोसिस हमने देखा, सो कंप्लीट चेंज इन स्ट्रक्चर, काया पलट कह सकते हैं, रेटिफाइड दैट इज अप्रूवल, है ना, जैसे हमने देखा था कि 4 में से 3 जो मुद्दे थे उसको रेटिफाई किया काउंसिल ने, और एक को पुट ऑफ किया, मतलब पोस्टपोन किया कि आगे चर्चा करेंगे. इम्पैस गतिरोध, एक ऐसी स्थिति आ जाए जहां से कोई चीजें कुछ भी मूव नहीं हो रहा है. इंटरिम मतलब टेम्पररी, बीच में अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज किया जा रहा है. विप, विप पॉलिटिकल फील्ड में कहते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो एक सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए है, वो कोई खास ऐसा डिसीजंस नहीं लेता है. एंड फ्लेगलिंग इज नौसिखिया, इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड, राइट. अब आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको इन शब्दों से फिल कर सकते हो इन ब्लैंक्स को, और फिर आई एग्जाम भी वेबसाइट पे हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर में जाकर आप एक्चुअली अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, साथ ही साथ इन वर्ड्स की डिटेल में मीनिंग देख सकते हैं, यूसेज देख सकते हैं, और जो जिस आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं ये आर्टिकल आपको पीडीएफ भी वहां मिल जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.